ये है वो गुल्लू बट, वो बांका और मंचला। तबीयत जरा मचली तो अपना मखसूस डंडा उठाया और फायरिंग और चीखों पुकार के बावजूद सैकड़ों पुलिस अहलकारों के बीचों बीच गुजरता चला गया। कुछ गाड़ियां नजर आईं तो पिल पड़ा। कुछ ने पुलिस की हलाशेरी कहा तो किसी ने उसके अपने मजाक की जुलानी और दीदा दलेरी। डंडा चलाया तो हर गाड़ी के शीशे टूटते किरचियों में बदलते रहे। पुलिस की शाबाश मिली तो गुल्लू बट इतराया भी बहुत, सीना फुलाकर चला। मगर जब कानून ने ली अंगराई तो खौफ और दहशत की अलामत इसी गुल्लू बट को सबने पिटते पांव फटते बेहोश होते भी देखा। गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला, जेल हुई, जमानत पर बाहर निकला तो मुकम्मल धुला धुला, सर तक पांव मुख्तलिफ गुल्लू बट, हाथ में डंडे की जगह तस्बीह, मंचलों वाली टी शर्ट की जगह कौमी लिबास, सीने पर कौमी परचम और डराने धमकाने की बजाय सबको सलाम। लाहौर के बांके का नया रंग। ऐसी शोहरत मुझे नहीं चाहिए, ये शोहरत मेरे लिए नहीं, मेरे मुल्क की बदनामी है। वो इसलिए मेरे मुल्क की यूँ बदनामी है, गुल्लू बट तो आज वो बात, गुल्लू बट आज जिंदा है कल मर जाए, 20 साल बाद 10 साल मरना तो है ना, वो गुल्लू क्रेजी, वो पाकिस्तान रहेगा, मेरा नाम नहीं रहेगा, पाकिस्तान का नाम रहेगा जनाब। 19 जून को पुलिस अफसरों से दाद पाने वाले गुल्लू बट अब ना तो नून लीग से ताल्लुक मानते हैं ना ही पुलिस का टाउट। ना तो पुलिस से ताल्लुक है, ना मियां नवाशी नून से मेरा कोई ताल्लुक है, मैं एक सामाजिक सोशल वेलफेयर हूँ। चंद ही दिनों में जिंदगी के खासे उतार चढ़ाव देख लेने वाले कभी हीरो तो कभी जीरो गुल्लू बट के दिल में सियासत में आने की ख्वाहिश भी अंगड़ाइयां लेती होंगी, लेकिन कहती हैं कि वो समाज की खिदमत जरूर करते रहेंगे। कैमरामैन इमरान मुख्तार के साथ एमन ताहिर, जियो न्यूज़, लाहौर।